एक दूसरे से वादे किए थे कि हम जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने इनसे क्यों शादी की है। उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि अगर किसी से प्यार हो तो सच्चा प्यार इस तरह होता है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि मैं जो है मतलब कि इस तरह मुझे बीमारी ने पैरालाइज कर दिया है। हमारी शादी कुछ इस तरह से हुई है कि हमारा शादी से पहले रिलेशन था, ये मेरी फूफो के बेटे हैं, तो हमारी मंगनी हुई है तो फिर ये बीमार हो गए तो मेरे अबू ने रिश्ता देने से इनकारी कर दी। वो कहते नहीं हमने नहीं इनसे तेरी शादी करनी। फिर अम्मी अबू के खिलाफ जाके सबके खिलाफ जाके हमने कोर्ट मैरिज की थी। ये पैरालाइज हो गए थे, ये मतलब कि इन टांगों से भी हाथ भी इनके फिंगर्स भी नहीं काम करती। एक दूसरे से वादे किए थे कि हम जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने काफ़ी कहा कि साइमा तुम किसी और से शादी कर लो, मगर मैंने ये मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर अब हमारी ज़िंदगी जैसे गुजर रही वो आप सब भी देख रहे हैं। मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने इनसे क्यों शादी की है। मुझे ये है कि बस हमारा कोई वसीला बन जाए, ये ठीक हो जाए, हमारा कोई कारोबार का वसीला बन जाए। मैं करती हूँ काम, घर में कपड़े सिलाई करती हूँ, ब्यूटिशन का करती हूँ, मगर इतना नहीं कमा सकती कि अपने घर को रेगुलर सही चला सकूँ। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारी हेल्प करें, इनके इलाज में मेरी हेल्प करें। मुझे और कुछ नहीं, मैं ये नहीं कहती मुझे पैसे दें, मुझे ब्यूटिशन का सामान लेके दे दें, पार्लर का सामान लेके दे दें कि मैं अपने हाथ से कमा के खा सकूँ। और मेरे हस्बैंड के इलाज में मेरी मदद करें, मैं ये नहीं कहती मुझे पैसे दे दें, इनका इलाज करवा दें, मुझे कोई कारोबार खोल दें कि मैं बैठ के कमा के खा सकूं। मेरी ये सब देखने वाले जो साहिब हैसियत भाई बहन हैं जो मुल्क के पाकिस्तान के बाहर हैं, उनके सामने रिक्वेस्ट है कि वो मेरी मदद करें ताकि मैं अपने घर को चला सकूं। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती थी, मगर बहन भाई से हेल्प लेना कोई भीख मांगना भी नहीं होता। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही, मैं अपने बहन भाइयों की हेल्प चाहती हूँ कि मैं अपने घर को चला सकूँ। मुझे भाई टाइफाइड बुखार हुआ था आज से 5 साल पहले, तो ये हुआ कि मैं इसकी केयर नहीं कर सका, तो ये मेरा जो है ना बुखार बिगड़ते बिगड़ते आज इस तरह हो गया कि मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया हूँ। 5 साल पहले आज से कंप्यूटर कढ़ाई का काम करता था मैं, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी करता था। तो बस जब ये हादसा मेरे साथ पेश आया तो अब मैं ख़ुद से मतलब कि चल फिर भी नहीं सकता और बिल्कुल भी कोई काम काज नहीं कर सकता। मुझे मेरी वाइफ ही संभालती हैं और मुझे वॉशरूम जाना हो या मुझे कपड़े वगैरह चेंज करवाने हो तो सब जो है वो मेरा वाइफ ही करती हैं। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि मैं जो है मतलब कि इस तरह मुझे बीमारी ने पैरालाइज कर दिया है। तो मगर क्या कर सकते हैं, ये भी मेरे अल्लाह की कोई बेहतरी है इसमें, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। हम लोग ना एक दूसरे को पसंद करते थे, तो 2 साल तक हमारा रिलेशन रहा है, उसके बाद मंगनी भी हुई है। तो ये है कि जो है ना उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, तो बहुत सारे मसाइल हुए और बहुत सारे मसले पैदा हुए इसमें, मगर फिर भी आज साइमा ने मेरा साथ देती हैं, मेरा पूरा पूरा साथ देती हैं वो। तो कभी भी उन्होंने मुझे मतलब कि किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं आने दी आज तक। उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि अगर किसी से प्यार हो तो सच्चा प्यार इस तरह होता है कि आज देख ले मैं किस हालात में हूँ, मुश्किल वक्त में हूँ, मगर आज तक उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं आने दी और कभी भी ये नहीं किया कि जैसे कि आजकल आपको पता है कि औरतें अगर कोई भी एक्सीडेंट मर्द के साथ हो जाए या औरत के साथ हो जाए तो औरत या मर्द छोड़ के चले जाते हैं, मगर वो कभी भी इस तरह का कोई मतलब कि इशू नहीं आया कि उन्होंने मुझे मेरी खिदमत करती हैं। रोज़ी का वसीला यही है कि जो है ये मेरी वाइफ जो है वो खुद ही मतलब कि कपड़े वपड़े सिलाई कर लेती हैं और ब्यूटिशन का काम जानती हैं। हमारा तो घर भी अपना नहीं है, घर भी रेंट का है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अगर कोई भी बहन भाई हमारी हेल्प करना चाहता है
तो आप हमें वीडियो कॉल करके भी देख सकते हैं और आप ख़ुद भी आके हमें देख सकते हैं। तो जो भी बहन भाई हमारी मदद करना चाहता है तो हम अपना आपको व्हाट्सअप और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको मैं बता देता हूँ, 03-02-14-99-341। इलाज में ये है कि इलाज इसका काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव है, उसमें कम से कम 9-10 लाख रुपए का जो है ख़र्चा है, मगर हम लोग नहीं करवा सकते क्योंकि मैं तो ख़ुद तो कोई जॉब वगैरह नहीं करता और ना ही कोई मतलब के, तो बस घर का गुजारा मुश्किल से चल रहा है। तो ये है कि अगर मेरी हेल्प हो जाए तो ये है कि मैं अपना इलाज करवा के अपने खुद कदमों पे खड़ा हो जाऊं, तो मैं अपने बीवी और अपनी बेटी के लिए ख़ुद सहारा बन जाऊं। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है इस चीज़ की, मगर वक्त ने हालात ने कुछ ऐसा कर दिया है कि हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है।